आज हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का विषय है देश में जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा है उसको लेकर। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एनडीए की ओर से जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं वो बिहार के राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में महामहिम राज्यपाल रामनाथ कोविंद साहब, उनको एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इसको लेके बिहार में खास करके बहुत दलित और पिछड़े तबके के जो लोग हैं उन्हें बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है इस बात को लेके। एक ऐसे व्यक्ति, एक वैसे समाज के व्यक्ति जो समाज के अंतिम पायदान पे है, और वो व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वो इस देश के प्रथम नागरिक कहलाएंगे। तो इसको लेके बिहार के जो हमारे कुछ दलित एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजय पासवान जी हैं, भीम आर्मी के सदस्य हैं, और अमर आजाद हैं, भीम आर्मी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, और सरोज कुमार हैं हमारे साथ, सरोज कुमार रॉय। ये काफी सक्रिय हैं सोशल मीडिया में और सामाजिक मुद्दों पे काफी मुखर रहते हैं। हम इन लोग से बात करेंगे इस मुद्दे पर। तो सबसे पहले उम्मीदवारी पर बात करते हैं अजय पासवान जी से। समाज का मेरा अंतिम व्यक्ति, देश का प्रथम नागरिक बनने जा रहे हैं, सबसे बड़ी दलितों में खुशी होना चाहिए। दलित समाज से है, समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, तो इस नाते से हम लोगों को एक खुशी है कि उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। ये बहुत खुशी की बात है कि दलित को महामहिम पद दिया गया, सर्वोच्च पद दिया गया, सारे यानी दलित समुदाय के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के बाद मायावती ने प्रेस रिलीज जारी करके उनका समर्थन तो किया है, लेकिन समर्थन इस रूप में किया है जिसमें उनका समर्थन वापस भी लिया जा सकता है। इस रूप से है, मायावती ने कहा है कि अगर विपक्ष रामनाथ कोविंद से अधिक लोकप्रिय और काबिल व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाती है तो मायावती बीएसपी उनकी बहुजन समाज पार्टी रामनाथ कोविंद को सपोर्ट करने के बजाय वो विपक्ष के द्वारा जो उम्मीदवार बनाए जाएंगे उनको समर्थन करेंगे। यहाँ पे एक चीज खास बात ये है कि मायावती ने रामनाथ कोविंद का जिक्र की तो उनकी जाति का भी जिक्र की। उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में लिखा कि वो रामनाथ कोविंद कोरी जाति से ताल्लुक रखते हैं जिसकी देश में आबादी बहुत ही कम है। तो अब बात करते हैं इस पे कि मायावती को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि रामनाथ कोविंद दलित समाज में कोरी जाति से संबंध रखते हैं, उनकी आबादी देश में बहुत कम है। जात नहीं पूछना चाहिए किस जात का है, जब दलित समाज के हैं तो हम लोग एक हैं। बाबा साहब का वंशज है, उधम सिंह का वंशज है, मानवर काशीराम का वंशज है, और हम जब इनकी वंशज हैं तो जाति का मायावती जी यदि पूछते हैं कि जाति की कोयल जाति का है तो गलत पूछ रही हैं। मायावती जी का कहना कि उनकी आबादी कम है, अगर उनकी आबादी कम है किसी दलित की देश में तो क्या उन्हें सर्वश्रेष्ठ पदों पे नहीं बैठाया जा सकता है? क्या उनके लिए ये काफी नहीं है कि वो दलित समाज से आते हैं, वो यहाँ के उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के हैं? जैसे अमर आजाद जी ने आपने कहा कि किसी जाति की आबादी कम है तो क्या वो राष्ट्रपति या कोई और बड़े संवैधानिक पद पे नहीं जा सकते हैं? तो मायावती की मंशा क्या है ये आपको जानने की जरूरत है। तो आप पिछला विधानसभा चुनाव देख लीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती ने वाल्मीकि समाज को एक भी टिकट नहीं दिया, जिसका खूब पुरजोर विरोध भी वाल्मीकि समाज ने किया, लेकिन मायावती अपने निर्णय से नहीं पलटी और वाल्मीकि समाज को अंतिम तक एक भी सीट, एक भी उम्मीदवार वाल्मीकि समाज से मायावती ने नहीं दिया। तो बात रही कि अभी खास करके बोला जा रहा है कि सबसे कम आबादी है पूरे देश में, उस आदमी को राष्ट्रपति पद दे दिया गया है, तो यही होना भी चाहिए। क्या है कि समाज में जिस जाति के जनसंख्या उस जाति से तो विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं टिकट लेने पर, लेकिन ये सर्वोच्च पद जो देश के सर्वोच्च पद महामहिम संवैधानिक पद है वो पद मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को जाति को लेकर के, वो अनुसूचित जाति नहीं है, ये काफी है हम लोगों के लिए। और मायावती पहले ही सरकार बना चुकी है भाजपा के समर्थन से, तो कोई क्यों ना भाजपा या यूपीए या एनडीए के समर्थन से कोई दलित राष्ट्रपति बने, इसमें किन्हीं किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जब जेएनयू छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष कन्हैया बने थे तो खुले मंच से भूमिहार जाति बता करके वो आदमी में ये
उनके अंदर एक डर बन गई थी कि कहीं ऐसा न हो कि ये दलित का नेता बन के उभर जाए। पहले भी मायावती ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया का भी जाति का जिक्र मायावती की थी। वो खुले मंच पर ये कही थी कि कन्हैया दलित नहीं है, बिहार का भूमिहार है। मायावती का ये कहना है कि विपक्ष अगर रामनाथ कोविंद से अधिक लोकप्रिय या ज्यादा काबिल व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाती है तो उनका समर्थन विपक्ष वाले उम्मीदवार को रहेगा। मायावती की नजर में काबिल कौन है? जब मायावती राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे दलित की मांग कर रहे हैं तो एक बार सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि वो अपने पद जो सर्वोच्च पद पार्टी का है बीएसपी का उस पे भी किसी और दलित को दे देना चाहिए। फिर आनंद जाटव का दबदबा क्यों बन रहा है? क्यों सतीश मिश्रा का दबदबा बन रहा है इस पद? उनके दलित के लिए ही हमेशा सोचना चाहिए। उसमें जितना भी पद है, जितने भी अच्छे पद है, वो अच्छे अच्छे दलित को उठा करके दे देना चाहिए। मायावती को थोड़ा सोचना चाहिए इस पर बहुत ही बारीकी से। मानवर काशीराम के रास्ते से बहन जी भटक गए और मानवर काशी राम जी ने कहे कि तीरक राज और तलवार मारो जो तज। और उनके रास्ते से भटकने के बाद बहन मायावती जी नारा देते हैं, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए मैं बहन मायावती जी से मैं कहना चाहते हैं, जब आप दलित की बात करते हैं दलित की बात कीजिए, और अब जब समाज के हमारे अंतिम व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बनते हैं उन्हें आप विरोध करते हैं, मैं बहन मायावती जी को मैं पूर्ण निंदा करता। अभी सरोज कुमार राय जी ने कहा कि मायावती कहती है कि किसी दलित किसी और दलित काबिल या लोकप्रिय नेता को अगर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार विपक्ष बनाती है तो मैं उसका समर्थन करूंगी। तो सवाल ये उठता है कि बहुजन समाज पार्टी में मायावती को आनंद जाटव ही सबसे ज्यादा काबिल क्यों लगे? क्या कोई उनकी पार्टी में कोई और दलित आनंद जाटव से ज्यादा काबिल नहीं है? तो मायावती के इस बयान से पूरे दलितों में घोर निराशा है। और इससे पहले भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण को भाजपा आरएसएस का प्रोडक्ट करके मायावती की पहले भी दलितों में किरकिरी हो चुकी है। दलित उसका पुरजोर विरोध किए हैं और हाल ही में जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था चंद्रशेखर आजाद को रिहा कराने के लिए, उसमें भी मान्यवर काशीराम की बहन ने भी मायावती की खूब आलोचना की। और बाकी वहां के जो बहुत सारे वक्ता जो आए थे वो भी पुरजोर मायावती का विरोध किए। तो यहां पे देखा जा रहा है कि चमार जाति में भी दो खेमा बन गया है, एक चंद्रशेखर आजाद रावण के पक्ष में है और एक मायावती के पक्ष में। तो देखना ये होगा कि कौन सा पक्ष भारी होगा और मायावती को अपनी रणनीति बदलनी होगी या दोनों चंद्रशेखर आजाद साथ आना पड़ेगा, क्योंकि दलितों में अब एग्रेसिव लीडर की जरूरत है। वो लीडर की जरूरत है जो उनकी बात करे, मायावती की तरह नहीं कि अपने भाई को आगे बढ़ाए, और जब राष्ट्रपति पद की बात आए तो लोकप्रिय और काबिल नेता की मांग करे। तो ऐसा नहीं चलेगा।